Data structure is one of the most important topics out there, and a lot of companies directly ask data structure question when they are like interviewing yourself. So I thought, why shouldn't I create a course on data structures and algorithm? And ये जो course होने वाला है, this is one of the very advanced topic, and इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है. And इस particular video में मैं आपको बताता हूँ why data structures and algorithm are important, and कौन-कौन से topics को हम cover up करने वाले हैं, so that you can start learning data structures and algorithm from the next video. So data structures and algorithm जब आप करते हो, तो आपको computer system के अंदर जो भी जैसे भी memory management होता है, कैसे रियल टाइम में बेस्ट कोड लिखते हैं, ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है. ऑल्सो आपको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हो. लेट सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गूगल मैप. गूगल मैप बिहाइंड द सीन बहुत सारी एल्गोरिथम्स एंड बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफ. जब आप रिकर्जन लेकर के आते हो, या फिर अनडू रीडू कमांड प्रेस करते हो, या जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हो, अब आप कंट्रोल जेड करते हो, उस टाइम पे भी एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, उसका नाम होता है स्टैक. लेट सपोज वी आर क्रिएटिंग एन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर एक ऑनलाइन बुक माई शो का क्लोन बना रहे हैं, एंड वहां पे आपको टिकट अगर क्यू में लेकर के आनी है, तो वहां पे आप क्यू यूज करते हो. एंड ऐसी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जहां पे आप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो डेली लाइफ में. जो एल्गोरिथम्स होती हैं, उनको जब आप सीख लेते हो, तो आपको एक ऑप्टिमाइज कोड हर चीज में हेल्प आउट करता है कि कैसे आप नेक्स्ट लेवल का, प्रो लेवल का कोड लिख सकते हो. उसके साथ में जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होते हैं, वो कंपनीज में आज की डेट में टॉप नॉच इंटरव्यू प्रोसेस में आ गया है. मतलब कोई भी अगर कंपनी होगी, अगर आपको अच्छा हाई पेइंग जॉब चाहिए, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मस्ट टू हैव है. अगर आपके पास अच्छी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की नॉलेज है, तो फिर आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो 5 लाख और 10 लाख के पैकेज में. उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ. एंड इस कोर्स में आपको बहुत ज्यादा एडवांस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. इसमें हम पाइथन से पूरी पूरी चीजें करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑन माई चैनल आर बिलोंगिंग टू लाइक पाइथन कम्युनिटी, और उनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी ज्यादा अच्छी लगती है. इस वजह से मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज किया. एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एंड बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को हम कवर अप करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट वीडियो से हम आपको रोल आउट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स, एंड डे बाय डे आपको ये मिलता जाएगा. वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं. न्यूटन स्कूल आखिर है क्या, एंड हाउ न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू टू गेट अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट जॉब. न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एंड वहां पे आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है इन जस्ट 6 मंथ. एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए. यहाँ पे आपके कंपनीज से बहुत ज्यादा अच्छा टाइप मिलता है न्यूटन स्कूल का, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं प्लेसमेंट के टाइप में. डेफिनेटली आप न्यूटन स्कूल के कोर्स के साथ जा सकते हो, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी अपफ्रंट फी अंटिल यू गेट प्लेस. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलें. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स कोर्स को स्टार्ट करेंगे. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.